तो जिन्होंने दूसरे एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट किया उनको हमने उन दोनों प्लेयर को लेकर के दिया था चाहे वो एड मैट हैंनरी की बात हो चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन की बात हो वो भी हमारे टीम में थे यहाँ पर देख सकते हो आसानी से हमने अल्ट्रा क्लिनसिप किया कैप्टन वाइस कैप्टन आप देख सकते हो जो क्लार्क इंपॉर्टेंट थे हमने लिया मैथ्यू वेट को लिया ग्लैन फिलिप्स भी हमारे टीम में थे बाकी यहाँ पे ये तीनों इम्पोर्टेंट प्लेयर हमारे पास थे न्यूज के अकॉर्डिंग टॉप ऑर्डर काम नहीं करेगा कोलैप्स होगा तो टॉप ऑर्डर के किसी भी प्लेयर को हमने नहीं लिया था मैथ्यू वेट को हमने केवल लिया हुआ था क्योंकि अच्छी फॉर्म में थे इसके अलावा डैनियल लॉरेंस को हमने नहीं लिया था जैक क्रॉली को हमने अपनी टीम में नहीं लिया था तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने नहीं लिया था इसके पहले वाले मैच में आपको पता है रवि बोपारा ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी तो उन्होंने भी अच्छा पॉइंट दिया बट हमने उनको भी नहीं लिया था क्योंकि उनको तब लिया जाता जब हमको पता होता कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है वो जल्दी ऑल आउट हो जाएगी तो उनको विकेट भी मिलेगा और बैटिंग से तो बहुत अच्छी फॉर्म में वो चल नहीं रहे हैं तो उनको लेने का कोई मतलब नहीं था तो आसानी से हमने सोलह कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए और सोलह के सोलह कॉन्टेस्ट हमने विन किए हमारे जो मेम्बर्स हैं इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ विन करते हैं आप भी अगर विन करना चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ नाइन लेकिन जितने भी हमारे पैकेज के स्पॉट थे चाहे द हंड्रेड हो सी पी हो सब के सब बुक हो चुके हैं अब किसी के मैसेज करने पे भी किसी को भी मेंबरशिप नहीं दी जाएगी क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम होता है लिमिटेड स्लॉट होता है हमने बहुत अपॉर्चुनिटी दी सभी को लेकिन अब वो सारी अपॉर्चुनिटी अब ख़त्म हो चुकी है अब जो भी अपकमिंग पैकेज आएगा उसी की टीम आपको मिल पाएगी अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको टीम बनानी है सबसे पहले वैन्यू एंड पिच रिपोर्ट की बात करते हैं कैनिंगटन ओवल बैटिंग पिच है पंद्रह मैच में एक, एक का एवरेज है और लोएस्ट यहाँ पे ये यह दिख रहा है चार बार 150 से कम भी बना है लेकिन तीन बार यहाँ पे 190 से ज़्यादा बना है डोमेस्टिक मैच में ज़्यादा कहानी क्लियर होगी अड़सठ मैच में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम का ज़्यादा पलड़ा भारी है यहाँ भी ज़्यादा था यहाँ कम था नौ बार बैटिंग फर्स्ट था छः बार बैटिंग सेकेंड था इंटरनेशनल में लेकिन डोमेस्टिक जब भी आता है तो सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज यहाँ पर मिला है लेकिन ऐसा नहीं है रिसेंट मैचेज में आपको दिखाऊंगा उसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने भी जीता है तो यहाँ पे आपको अच्छी टीम बनानी है कौन पहले बैटिंग में जीत रहा है कौन सेकंड बैटिंग में इस पे आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे देख सकते हो तेईस बार 150 से कम बना है लो स्कोरिंग गेम भी हुए हैं लेकिन 20 बार 190 प्लस बना हुआ है यहाँ देख सकते हो 189 बना सामने वाली टीम ने 187 बना दिया दो रन से मात्र हारी थी पेसर और स्पिनर दोनों को मदद मिलती है यहाँ पर छः विकेट पेसर पाँच विकेट स्पिनर एक बना सामने वाली टीम बानवे पे ऑल आउट हो गई दस और पाँच का रेशियो था पेसर और स्पिनर का और बाकी विमेंस का है विल जैक्स 11 मैच में तीन सौ बत्तीस रन इन्होंने बनाया इस वेन्यू पे 108 सौ आठ है और दो विकेट भी लिया है लास्ट मैच में भी इनको विकेट मिला था तो अच्छी बॉलिंग कराते हैं लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट आते हैं बॉलिंग करने ऑफ स्पिन और टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करने आते हैं और तेज़ बैटिंग करते हैं टॉम कुरान दो मैच में इक्यासी रन है रिसेंट फॉर्म और पाँच विकेट भी है लास्ट मैच में भी इन्होंने ही विन करवाया अपनी टीम को अच्छी बैटिंग करके एडम जम्पा छः मैच में बारह विकेट है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डैनियल सैम्स सबसे सेफ प्लेयर है कैप्टन के तीन मैच में पचास रन हैं सात विकेट है सैम बिलिंग्स को लुइस ग्रेगोरी ने चौबीस बॉल में तीन बार आउट किया है तो वैसे भी सैम बिलिंग्स बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अच्छे नहीं खेल पा रहे हैं छत्तीस बॉल में तीन बार आउट किया है कुक ने विल जैक्स को ठीक है और छब्बीस रन ही बना पाए तो पावर प्ले में आएंगे कुक जल्दी आउट कर सकते हैं इमाद वसीम तैंतीस बॉल में दो बार आउट कर चुके हैं रॉय को समित पटेल ने सत्ताईस बॉल में दो बार आउट किया है लुइस ग्रैगरी का मैंने आपको बता दिया सैम बिलिंग्स के अगेंस्ट कितने बॉल में कितना रन बनाया है वो भी यहाँ पे लिखा है और समित पटेल ने चार बॉल में दो बार आउट किया है सैम बिलिंग्स और लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं एडम जाम्पा ने तेईस बॉल में दो बार आउट किया है हैल्स को और नारायण ने सैतालीस में दो बार आउट किया है तो नारायण तो खेलेंगे नहीं सी पी एल खेल रहे हैं साउदर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं दस मैच दस बॉल में दो बार आउट किया है मुनरो को तेरह रन ही बना पाए हैं अटकिंसन ने सात बॉल में दो बार आउट किया है लुइस ग्रेगरी को अब हेड टू हेड मैच देख लेते हैं एक का टारगेट दिया था एक ही ओ वी बना पाई थी जिसमें एलेक्स हेल्स ने उनसठ बनाया था डेविड मलान ने अड़तीस बनाया था लुइस ग्रैगरी ने चौबीस मुनरो ने तेईस बाकी इन तीनों ने एक एक विकेट लिए थे यहाँ से जॉर्डन कॉक्स ने इकसठ बनाया था सैम कुरान ने अच्छा किया था सुनील नारायण ने और जैसन रॉय यहाँ पे 125 बनाया 116 ही टीम बना पाई ठीक है तो यहाँ पे पैंसठ बॉल का मैच हुआ था तो लगभग चेस कर लिया था इन्होंने लेकिन फिर बाद में ये टीम हार गई यहाँ पे देख सकते हो नौ रन से हार गई थी यहाँ पे भी जैसन रॉय ने अच्छा किया बाकी यहाँ पे सुनील नारायण ने खेलेंगे नहीं टॉम कुरान ने दो विकेट लिया बहुत अच्छी फॉर्म में टॉम कुरान लुइस ग्रैगरी ने अच्छा किया हेल्स ने अच्छा किया समित पटेल वगैरह है रिसेंट पाँच मैच में एक ही मैच हारा है ओ वी ने और टी ने तीन मैच हारा है दो जीता है अब यहाँ पे प्लेइंग एलेवन की बात कर लेते हैं तो विल जैक्स इंपॉर्टेंट है अच्छी फॉर्म में यहाँ पे अड़सठ रन दो विकेट लिया था लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे जैसन रॉय शुरुआत अच्छी कर रहे हैं बट आउट हो जा रहे हैं और कैचेज दो कैचेज लास्ट मैच में लिया था इन्होंने तो ऐसी जगह खड़े होते हैं कि वहाँ पर कैच भी इनको मिलता है ग्रैंड लीग क्लासिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं इन्होंने सैम कुरान इंपॉर्टेंट है सैम बिलिंग्स ग्रैंड लीग टॉम कुरान इंपॉर्टेंट है रॉस वाइटले फ्लॉप जा रहे हैं साउदर को आप ले सकते हो विकेट ले रहे हैं हर मैच में लास्ट मैच में नहीं मिला था जाम्पा है एस जॉनसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं एक दो तीन तीन मैच से विकेट नहीं मिल रहा है यहाँ तीन विकेट लिया था यहाँ एक विकेट लिया था हो सकता है इस मैच में इनकी जगह पर एटकिनसन को खिलाया जा सकता है चैपल को खिलाया जा सकता है एंड और तो कोई ऑप्शन है नहीं कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है बाकी स्पिनर है अब यहाँ पर ट्रेंड रॉकेट्स की बात करें तो हेल्थ फ्लॉप जा रहा है लास्ट मैच में शुरुआत बहुत अच्छी की थी बट एक केन रिचर्सन की एक स्लोअर वन पे ये आउट हो गए थे बोल्ड हो गए थे हमने उनको इस मैच में वाइस कैप्टन बनाया था आपको पता होगा हमने काफ़ी बड़ी विनिंग की थी एलेक्स हेल्स के बाद जॉय रूट है स्पिनर को जहाँ पे मदद मिलती है वहाँ ये बॉलिंग भी करते हैं बट अभी मदद मिल नहीं रही है बैटिंग अच्छी कर रहे हैं यहाँ सेवेंटी टू बनाए थे यहाँ पैंतीस बनाया था ओपनिंग करने आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, है। कैडमोरे यहाँ पे चौसठ बनाया लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए इंपॉर्टेंट है सैम हैन अच्छे बैट्समैन है अच्छी फॉर्म में आए थे बैटिंग में प्रमोट किया जा रहा है कर सकते हैं अच्छा बट यहाँ मुनरो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है।, है लगातार अच्छा कर रहे हैं डैनियल सैम्स कैप्टन की चॉइस लुइस ग्रैगरी चाहो तो ले सकते हो हमने इस मैच में इनको लिया था जहाँ पे दो विकेट इन्होंने लिया था न्यूज के बेसिस पे हमने उसमें लीक वुड को नहीं लिया था जहाँ इनको विकेट ही नहीं मिला था एक विकेट शायद मिला था ये एक विकेट मिला था हमने इनको अपनी टीम में लिया था आपको याद होगा आप लाइव विनिंग प्रूफ जाके देख सकते हो इस सोडी है यहाँ पर विकेट इनको मिल ही जाता है लेग स्पिनर है बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं एक दो विकेट ले सकते हैं कार्टर भी वही है ये भी ले सकते हैं विकेट बट यहाँ पे सैम कुक इंपॉर्टेंट रहेंगे डेथ ओवर में करेंगे लेकु इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे डैनियल सैम्स बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ बेंच पे प्लेयर हैं उनका रिकॉर्ड आप देख सकते हो समित पटेल खेल सकते हैं डेविड मलान आ सकते हैं यहाँ पे एंड बाकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्लेयर अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की इस टीम को आप विजन अलेवन में भी यूज कर सकते हो ये दोनों विकेट कीपर इंपॉर्टेंट है ये आएंगे नंबर तीन चार चार पे आएंगे ये ये आएँगे ओपनिंग वन डाउन आएंगे इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाकी यहाँ कोई फॉर्म में नहीं है यहाँ पे विल जैक्स जॉय रूट और कॉलिन इन ये तीनों फॉर्म में है हेल्स बड़े प्लेयर हैं इनको स्मॉल लीग में नहीं लेने का मतलब ये है कि आप हार सकते हो वन साइडेड जब खेलते हैं तो आपको पता है क्या कुछ कर जाते हैं आपने देखा होगा फाइनल सेमीफाइनल मैच इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था जॉस बटलर और इन्होंने वन साइडेड दस विकेट से मैच को जीत लिया था जैसन रॉय भी वैसे ही प्लेयर हैं जैसे ये हैं पहले दोनों साथ में ही ओपनिंग किया करते थे इंग्लैंड के लिए आगे चलते हैं सैम हैन भी अच्छे प्लेयर हैं सैम कुरान डैनियल सैम्स और टॉम कुरान ये तीनों इंपॉर्टेंट है आप चाहो तो ग्रैगोरी के साथ भी जा सकते हो बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी ल्यूक वुड साउदर और जाम्पा मैंने दो स्पिनर को लिया है जबकि यहाँ पे पेसर्स को पिच मदद करती है लेकिन जो पेसर्स सामने दिख रहे हैं वो फॉर्म में नहीं है एक एस जॉनसन है एक कुक है इनको भी कभी कभी विकेट्स मिलता है कभी नहीं मिलता है बाकी डिफरेंशियल एक कार्टर है चैपल खेलते हैं तो आप ले सकते हो अटकिनसन खेलेंगे तो बिल्कुल लेना जब ये लास्ट मैच खेले थे बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए थे लास्ट के दोनों मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन आपको बनाना है डैनियल सैम्स को या तो फिर इनको ये दोनों चार चार ओवर करते हैं और डेथ ओवर में करते हैं किसी का भी ओवर कटेगा सैम कुरान का ओवर नहीं कटेगा ये करेंगे ही करेंगे पूरा ओवर सेम इनके साथ भी है और टॉम कुरान भी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं ये तीनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है कुछ लोग रिस्क जो लेने वाले हैं वो विल जैक्स को बना सकते हैं ठीक है क्योंकि सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर है जैसे कॉलिन मुनरो वगैरह हैं तो इनके अगेंस्ट इनको बॉलिंग दी जा सकती है अब बात करते हैं पेड मेम्बरशिप है है, की ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है नाइन ये टेलीग्राम की आई है इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो सागा फ्लैशबैक अंकुर पर आप क्लिक करके सी का पैकेज था वो सारे बुक हो चुके हैं स्लॉट पहले ही बुक हो चुके थे स्टार्ट होने के पहले ही लेकिन हमने अपॉर्चुनिटी दी बहुत बार लेकिन अब अवेलेबल नहीं है एंड कम्बाइंड पैकेज भी हमने अनाउंस किया था वो भी सारे फुल हो चुके हैं वो भी अब अवेलेबल नहीं है तो जब नया पैकेज आएगा तो आप मेम्बरशिप ले सकते हो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होस्ट दो संकुर साइनिंग आउट बाय